नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि राज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल प्रोत्साहन योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से आप लोग को जो साइकिल के लिए यहाँ पे जो पैसा दिया जाता है, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पे कक्षा नौवीं में पढ़ते हैं उनको यहाँ पे जो है आप लोग को साइकिल राशि दिया जाता है, जिसमें कि आप लोग को 3000 रुपये सरकार की तरफ से यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसके लिए जो है आप लोग को यहाँ पे आवेदन लिया जाता है, आप लोग का जो पैसा है वो आप लोग को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कोई भी छात्र छात्रा किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर वो यहाँ पे कक्षा नौवीं में एडमिशन करवाए हैं तो उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अब किस तरीके से लाभ दिया जाता है, कहाँ से आप लोग को लाभ मिलता है, किस तरीके से आप लोग का पैसा आप लोग को दिया जाता है, सब कुछ प्रॉपर मैं आप लोग को डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी जो है आप लोग यहाँ पे सूचना निकल के आ रही है कि सभी जगहों पे आप लोग का जो आवेदन है वहाँ पे लिया जा रहा है, सभी स्कूल के माध्यम से आप लोग यहाँ पे जो साइकिल प्रोत्साहन योजना है उसके लिए आप लोग का आवेदन लिया जा रहा है। तो किस तरीके से आप लोग का आवेदन होने वाला है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डेडिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो साइकिल योजना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो सरकारी योजना का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को जो पोस्ट देखने को मिल जाएगा बिहार मुख्यमंत्री साइकिल योजना 2023। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को साइकिल लिखना है, C by CLE आपको यहाँ पे लिखकर जो सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे आप लोग का जो पोस्ट वो आ चुका है और ये जो 16 जून को आप लोग वहाँ पे अपडेट किया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है। यहाँ पे मैंने आप लोग को जो पूरा जानकारी दे रखा है, आप जो थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है ये मुख्यमंत्री साइकिल योजना, वो आप लोग को बताया गया। इस योजना के तहत जो मिलने वाला लाभ है उसके बारे में जानकारी दिया गया। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाता है। अब इस नोटिस में आप लोग का जो है आवेदन के बारे में फुल जानकारी दिया गया कि आवेदन किस तरीके से आप लोग का होगा। तो आप नीचे आइएगा तो यहां पे आप लोगों को सबसे पहले जो है ये नोटिस यहां पे दिया गया। इस नोटिस को मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो नोटिस है वो यहां पे जारी किया गया। अब यहां पे देखिए आप लोगों का जानकारी दिया गया कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत जो नौवीं में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं उनको जो है नीतीश सरकार की तरफ से आप लोगों का साइकिल का लाभ दिया जाता है। सभी लड़कियों को जो साइकिल खरीदने के लिए यहां पे जो पैसा आप लोगों का 3000 रुपए यहां पे दिया जाता है। और अब बताया गया दोस्तों कि अब लड़कों को भी मिल रहा है साइकिल योजना का लाभ, यानी कि जो लड़के हैं उनको भी यहां पे जो साइकिल योजना का लाभ मिलने वाला है। अब यहां पे इसके लिए करना क्या है, आपको आवेदन करना होगा। तो आवेदन किस प्रकार से होगा, तो आवेदन जो है आप लोग यहां पे प्रक्रिया बताएगा कि आवेदन किस प्रकार से होने वाला है। तो यहां पे देखिए आप लोग का कुछ इस तरीके से आप लोग का नोटिस यहां पे देखने को मिलता है। इस नोटिस को मैं आप लोग को दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो नोटिस है वहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों आप लोग समझिए कि पहले क्या था कि आप लोग का साइकिल योजना के लिए कोई भी आवेदन नहीं होता था, लेकिन अब जो है आप लोग वहां पे आवेदन करना होगा। यहां पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया भाग 2 आप लोग का बताया गया। भाग 1 में आप लोग का बताया गया था कि क्या क्या आप लोग वहां पे लाभ मिलता है, कितना लाभ आप लोग वहां पे दिया जाता है। यहां पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया कि आवेदन पत्र सभी दस्तावेज के साथ स्कूल में ही जमा करने होंगे, उसके बाद स्कूल अध्यापक आपका आवेदन संबंधित विभाग तक पहुंचा देंगे। यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि स्कूल के द्वारा जो है अब यहां पे जो है साइकिल योजना के लिए आप लोग का आवेदन लिया जा रहा है। अब आवेदन का जो एक फॉर्मेट है, एक जो फॉर्म है वो आप लोग को अपने स्कूल से यहाँ पे प्राप्त करना है, अपने स्कूल में मांगना है। आपके स्कूल में जो फॉर्म है वो आप लोग को यहाँ पे दे दिया जाएगा। अगर आप कक्षा नौवीं में पढ़ते हैं तो ही आप लोग को यहाँ पे आवेदन करना है, इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर फॉर्म के साथ आप लोग का जो यहाँ पे आधार कार्ड हो गया, आप लोग का बैंक पासबुक हो गया, ये सब आप लोग वहां पे लगाना होता है। वो सबका जो फोटो कॉपी है वो आप लोग को लगा देना है और आवेदन फॉर्म भरकर आपके जो विद्यालय के अध्यापक होंगे, जो आप लोग यहाँ पे प्रधानाचार्य होंगे, जो यहाँ पे हेडमास्टर बोलते हैं, तो वो होंगे, उनको आप लोग वहां पे दे देना है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे आवेदन होने वाला है। यहां पे बताया गया है कि साइकिल खरीदने के लिए अनुदान जो है अभिभावक के बैंक अकाउंट में आएगा, यानी कि आपके माता पिता का जो अकाउंट होगा दोनों में से किसी एक का जो अकाउंट है वो आप लोग वहां पे देना है और उन्हीं के अकाउंट में आप लोग का जो पैसा वहां पे भेज दिया जाएगा। यहां पे बताया दोस्तों कि आवेदन का स्थिति आप जो है अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक से यहां पे जो पता कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हेडमास्टर से यहां पे पता कर सकते हैं कि आपका आवेदन का क्या हुआ, आपका आवेदन हुआ या फिर नहीं हुआ, ये सारा जो जानकारी है वो आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे जो सरकार की तरफ से आप लोग का नोटिस जारी किया गया कि मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के लिए अब आप लोग वहां पे आवेदन करना होगा। तो ये जो है आप लोग वहां पे अपडेट जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस वक्त, तक के लिए धन्यवाद।